हियर गाइस, आज है हमारा दिन। यस, आज है वुमेन्स डे। तो मेरी तरफ से दुनिया की सभी प्यारी प्यारी खूबसूरत लेडीज को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और अपनी लाइफ को भरपूर जिए। आज वुमेन्स डे होने के साथ साथ आज है संडे, और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि दो दिन के बाद है होली। तो वैसे हमें मम्मी जी हमेशा गुजिया बना के देती थी जब भी हम लोग घर जाते थे होली में, बट इस बार हम लोग यहीं पे हैं मुंबई में, तो हम लोगों को खुद से बनानी पड़ेगी गुजिया, क्योंकि बहुत मन है। और होली के टाइम पे गुजिया ना खाओ तो ऐसे अधूरा सा लगता है। हमने कभी बनाया नहीं है गुजिया, बट आज पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो थैंक्स टू यूट्यूब, क्योंकि हम जैसे लोग जो ज़्यादा अच्छे कुक मैं नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे सिर्फ नॉर्मल खाना बनाना आता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं गुजिया बनाना पहली बार, और वो भी आटे का। लोग मोस्टली बनाते हैं मैदे का, तो हम लोग मैदा ना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं खाना, तो हम लोग आटे का गुजिया बनाएंगे फर्स्ट टाइम। अच्छा जरा वो ये तो बताओ कि भोजपुरी में क्या कहते हैं, बिहार साइड में क्या कहते हैं, जरा सुनो आप। पड़किया क्यों? पड़किया ही तो बोलते हैं। पड़किया नहीं, पौड़किया बोलते हैं। क्यों गाइस, पौड़किया बोलते हैं ना, उनको क्या पता, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा। हाँ, मतलब बिहार के ही लोगों को पता होगा, बाकी जो भी देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा पौड़किया। तो आज हम लोग पौड़किया बनाने जा रहे हैं, वो भी आटे का, मैदे का, मैदा, आटे का आटा और सूजी का स्टफ करके उसमें सूजी का करेंगे, मावे का भी बनता है। हाँ, वो ना जल्दी खराब हो जाता है एक्चुअली। एक बार बना के मम्मी जी ने दिया था, वो बड़ी जल्दी खराब हो गया। तो फिर और मुझे सूजी का एक्चुअली में टेस्टी लगता है ज्यादा, वो क्रिस्पी रहता है ना, क्रिस्पी रहता है, इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। मावे का तो जल्दी खराब हो जाता है, दो तीन बार पहले भी बनाया है मम्मी ने बना के दिया था, बट वो जल्दी उसमें फंगस टाइप में लग जाता है। हंसी आ रही है, पता नहीं बनेगा कि नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड कर लेते हैं तो अच्छा बनेगा। ऐसा करके तो बनेगा ही नहीं। नहीं मतलब ऐसे अभी स्टार्ट कर रही हूँ बनाने का, तो उसके लिए कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं बनेगा हम लोग। अच्छा सुबह क्या हुआ, मैडम ने सब चीजें कर ली। मेरी बेइज्जती करो अच्छे से। नहीं बताना जरूरी है ना कि किस लेवल तक क्या मतलब। तो सूजी कर लिया और सब सामान इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, फिर एकदम से कहती बनाएंगे। अरे वो सांचा तो है ही नहीं। तो फिर अभी हाथ से मुझे बनाना आता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाना है। लोग तो हाथ से भी बनाते हैं बहुत अच्छा अच्छा, पर मुझे नहीं आता। तो अभी अभी हम लोग जाके सांचा लेके आए हैं, और उसके लिए भी उसमें नखरे, आप लोग ये देखो कि वो बोल रहे कि वो ऐसे डिजाइन वाला नहीं चाहिए, उसमें प्लेन होना चाहिए। अरे तो अगर पहली बार बनाऊंगी और वो ऐसे ना डिजाइन ऐसे तीखा तीखा सा था, तो पहले टूट जाए वो, क्या फिर फायदा होगा उसका। हाँ। मटेरियल भी फिर खराब जाएगा, जो फिर मुझे ठीक करना भी नहीं आएगा। अभी तो फिलहाल देखना है कि बनता कैसे है और कितना टाइम लगता है, ये देखना है। तो चलिए आप लोग भी हमें बेस्ट विशेस दे दीजिएगी, ऑल द बेस्ट। क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि पौड़किया बनाना या गुजिया जो भी बोलते हैं कि वो बनाना इतना ईजी है, क्योंकि उसमें उसको ऐसे बेल के फिर स्टफ, मम्मी को बनाते हुए देखा है, बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो वो सूजी वगैरह का स्टफ तो करके दिखाएंगे ना वो तो। हाँ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इतना इजी नहीं है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए इजी नहीं है, जो बनाते हैं वो तो उनके लिए तो जो सिर्फ खाना बनाते हैं, अलग सी चीजें नहीं बनाते, डिशेस नहीं बनाते, तो देखते हैं। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। एंजल ना बड़ा शर्माती है सबके सामने। बोलो पापा। एंजल से पापा
पापा तो बोल दो, मम्मा कहाँ है मम्मा? गंदी बात, आप सच में कभी बात नहीं मानते मम्मा की। आज वुमेन्स डे है तो इसी खुशी में जो आटा गूंदा जा रहा है वो इनकी तरफ से गूंदा जा रहा है, क्योंकि आज थोड़ा तो स्पेशल फील करवाना चाहिए ना भाई, इसलिए मैं आटा गूंद के स्पेशल फील करवा रहा हूँ। और नित्यम कैसे आज मम्मा को स्पेशल फील करवाएगा और एंजल को वुमेन्स डे? पता नहीं मतलब आज मम्मा के लिए कुछ भी करोगे आप? एंजल, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी गर्ल्स डे। नित्यम कह रहा है एंजल कोई वुमेन है, एंजल तो गर्ल है। ज़्यादा उधर कढ़ाई पे झुक के मत बनाओ, नहीं तो पता चला बाल खाने को मिल गए। बाल तो पीछे कर लो। नहीं वो देख रही हो ना कि ब्राउन हुए कि नहीं, इसलिए थोड़ा ठीक कर लो। बहुत टाइम लगती है ना कोई किसी चीज़, किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में टाइम लग जाता है। अभी गुजिया का मटेरियल रेडी हो रहा है तो भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही है। मैंने राजमा बॉईल करके रखे हुए हैं सुबह से, तो अभी ये फटाफट तड़के का मटेरियल रेडी कर रहे हैं। तो एक तरफ मुझे तो बहुत भूख लगी है, बहुत मुझे भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और जब राजमा बनते हैं ना तब तो और पता लगा गुजिया के चक्कर में लंच ही नहीं किया। अब हो गया ना रेडी है तो? हाँ। मेरे ख्याल से अब रेडी हो गया। मम्मी ने क्या बोला अभी? मम्मी जी ने यही बोला कि जब ये थोड़ा रेड रेड सा हो जाए तो हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करना है। हाँ तो इसको अभी बस कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि रेड रेड के चक्कर में जल ही जाए। शोने, आप ये इतने मोटे मोटे प्याज और टमाटर का तड़का लगाएंगे क्या? नहीं यार, ग्राइंड करूंगा अभी मैं, ये तो बारीक काटा नहीं, थोड़ा अच्छे से ग्राइंड कर जाए। अच्छा प्यूरी बना के? इतना सोचा क्यों आपने? हाँ भूख बहुत लगी है यार, बहुत ज्यादा लग रही है। टाइम कितना हुआ है? इधर हमारे चावल भी बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। चलो रखो फटाफट। आटा लगाया? नहीं लगाया तो नहीं। अब ये किनारों पे ना पानी लगा रहे हैं ताकि वो टूटे, लॉक हो जाए ताकि वो मिक्सचर लो।
नित्यम भी हमारी हेल्प कर रहा है ना नित्यम, देखो ये पेड़े बना बना के दे रहा है। वेरी ये पहला वाला देखो, पहला वाला हाँ। ये हमारा पहले वाला है जो पहले हमारा कुछ का कुछ मोमोज बन गया। ये दो हमने अभी तक कितनी देर में हमारे दो रेडी हुए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ पेड़े नित्यम ने बनाए। ये थोड़ा और प्रेस कर लो और टूट ही ना जाए, यही डर लग रहा है हर बार, यही लग रहा है कि टूट ना जाए। इसमें पहले हमने लगाया नहीं ना, आटा नहीं लगाया ना, आराम से लगा लिया। आसान नहीं है ये बनाना, ये मम्मियां जो बनाती हैं इतना इजीली इतना इजीली नहीं बनता है, खाने में तो बहुत मजा आता है। देखिए अभी ये बन गए हमारे, तीन चार बन गए वैसे तो। गाइस गुजिया बनाते बनाते बहुत जोरों की भूख लग गई, तो हमने बेल के अभी रख लिया है, मतलब वो भर के, और अभी सिर्फ उनको तलना है, तो उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए क्योंकि बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो ये खाना हो गया हमारा रेडी, चावल राजमा, यम्मी यम्मी राजमा, और ये मैंने साथ में आम का अचार लिया है थोड़ा सा। घर का अचार एक्चुअली ख़त्म हो गया, तो अभी मार्केट से अचार लाए हैं, ये भी बहुत टेस्टी है अचार, तो चलो मैं खा लेती हूँ फटाफट, अब देखा नहीं जा रहा बस। गाइस फाइनली आप लोगों ने भी देखा कि हम लोगों ने स्टफिंग कर दी है, गुजिया हमने भर लिए हैं। बहुत बहुत ज्यादा टफ है ये, इजी नहीं है टास्क ये, गुजिया पोड़किया बनाना इजी नहीं है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जब तक चार पांच लेडीज कम से कम साथ में ना हो तब तक ये टास्क को हाथ मत लगाएं। और ऊपर से हम आटे के बना रहे थे तो और मुश्किल, तो और मुश्किल नहीं, तो मैदे में तो फिर भी थोड़ा इजी बन जाता है, गेहूं के आटे में तो और बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टफ हुआ। चलो तो अब हम लोग इनको तल लेते हैं। अच्छा शोने, आप मुझे बोल रहे थे कि भोजपुरी में बोल के बताओ क्या बोलते हैं पोड़किया, ठीक है, पहाड़ी में पता है आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते क्या? हाँ मुझे, मैंने सुना था पहले तुम्हारे मुझे सुना, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। पहाड़ी में इनको पराके बोलते हैं, पराके। जब कहीं भी शादी वगैरह होती है ना तो उनके घर से जैसे भाजी भाजी बोलते हैं ना, हाँ मतलब वो शक्कर पारे वगैरह आते हैं, तो ये भी आते हैं और मैं सबको छोड़के यही खाती हूँ। एंजल को चाहिए, एंजल के लिए फटाफट मुझे दो, अभी देते, रुको पहले जय जय करेंगे उसके बाद, ठीक है? तो वही फिर बहुत मजा आता था खाने का, वहाँ पे भी सूजी के ही बनाए जाते हैं और हम भी सूजी के बना रहे हैं, इसलिए सूजी के ज्यादा अच्छे लगते हैं मावा के। हम लोग जब गांव जाते हैं तो मम्मी नानी और दो चार लोग और मिलके शिवम ये सब मुझे भी लगना पड़ता है, तो हम लोग फिर बनाते हैं, बट वो बहुत ही इजी बन जाते हैं। बट आज जो हालत खराब हुई है मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आज हम लोग खुद से बना रहे थे ना, तब हमें गाइडेंस होती है, एंजल ने बट साथ दिया है ना, एंजल सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो ये फाइनली हमारे पड़किया गुजिया पराके सब बन के तैयार हो गया, और थोड़ा थोड़ा ये तेल ज्यादा गर्म था आई थिंक, सो उसकी वजह से ऐसा हो गया है, बट पहली बार बनाया तो एक्सेप्टेबल है। अभी देखने में तो ये सो सो ही बने हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गया था ना कि ये बहुत बड़े बड़े बने, मेन प्रॉब्लम ये था, और बनने का नाम भी ले रहे थे जो डाई मिला ना अपने को, वो
बड़ा डाई था एक्चुअली हमारी साइड में बिहार में इतना बड़ा डाई नहीं रहता है, ये बहुत ही बड़ा डाई था, वो तो इतने इतने साइज के बनते हैं, ये कम से कम इतने साइज का पौड़किया बना है। और हम बना रहे थे ना तो वो बना जितने बना रहे थे उतने ही वापस हो जा रहे थे क्योंकि साइड से जो आटा आता है वो भी वापस मिक्स हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बस अभी 5 रह गए, मैंने कहा अभी आटा आना है वापस, 5 के 10 ही बनेंगे अभी दोबारा से। वो जो लग रहा था ना कि 5 ही बनेंगे, मतलब लोई वो आटा देख के पेड़े जो होते हैं वो देख के ऐसा लग रहा था 5 ही बनेंगे, वो 5 का बल्कि 10 बन रहे थे वो तो रिवर्स बार बार वही करना पड़ रहा था हमें। अभी खा के देखते हैं कैसे बने, दिखने में सूरत तो इतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास आओ, कैसा है? मजा आ गया जब इतनी मेहनत करो और उसके बाद जब खाने को मिलता है स्वाद स्वाद चीज, मजा आ जाता है। नहीं पर बाकी मतलब जैसा सोचा था उससे तो बहुत अच्छा बना, हमने सोचा था कि पता नहीं कैसा बनेगा बट अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और पता है क्या सबसे बड़ी बात, ये जो गेहूं के आटे का बना है मैदे का रहता है तो थोड़ा हैवी लगता है, बट ये मैंने एक खाया इतना बड़ा पर लगा बड़ा नहीं कि मतलब हाँ साइज में बड़ा पर लगा नहीं कि मतलब इतनी। हाँ मेरे एंजल मेरे को मार रही है, आ जाओ मेरे पास, टीवी लगाई हुई है अभी। तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ हैवी चीज़ खाई है बट बहुत अच्छा लगा। ओह एंजल बहुत परेशान करी, चलो मम्मा के पास चलते हैं। मम्मा कहाँ है, कहाँ है मम्मा, कहाँ है बताओ, कहाँ है एंजल? लग रहा है पढ़ाई हो रही है। अब पढ़ाई हो गई है, एग्जाम है, पूरा दिन तो लग गया गुजिया बनाने में। एंजल ना बिल्कुल पढ़ने नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देती भैया, है ना? इसके स्टिकर्स पहले बुक छीनती है फिर ऐसे स्टिकर्स निकाल कर फेंकती है। अरे एंजल आपकी कंप्लेंट हो रही है, अब फिर से आ गए, आप क्यों लेके आए? अरे तो नीचे रो रही थी, मैं क्या करता। और एंजल चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, एंजल मैं घूमने जा रहा हूँ, बाय, मेरे साथ चलोगे? दुबई में तो कैंसिल हो गए एग्जाम। हाँ यहाँ पे दुबई तो क्या मनीषा का फोन आया था, और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से बोल रहे कि 1 महीने की छुट्टी कर दी ना, दुबई का पता है। उस पे उसके बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। नितिन हो गई आपकी प्रोफेशन, हो गई किसका है? हिंदी से तो आपके दूर तक दूर तक कोई लेना अपनी मातृभाषा, कह रहा है कोई लेना देना नहीं है, नहीं है लेना देना। चलो गाइज अभी हो गई है शाम और शिवम बना रही है कॉफ़ी, बन गई थैंक यू यार, बहुत ज़रूरत थी, आज का दिन बहुत एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं हम, इतने ज़्यादा थक गए आप सोच भी नहीं सकते। और अभी हम लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं और आप लोग भी अगर शाम है तो कॉफ़ी पी लीजिए, नहीं तो जो चाय पसंद करते हैं वो चाय पी लीजिए। और एट लास्ट वीडियो यही खत्म करेंगे और यस यस सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई हो जो शादीशुदा है, जो मैरिड है, जो वुमेन है, और गर्ल्स भी एक तरह से हाँ सबको कोई गर्ल्स डे होता है, हैप्पी गर्ल्स। हाँ गर्ल्स डे तो नहीं होता है तो सबको बहुत ही बहुत बधाई हो, रिस्पेक्ट करें। आपने नित्यम वाली बात बोल दी कि एंजल, जब मैं सुबह बोल रही थी कि नित्यम चलो एंजल को विश करो आज वुमेन्स डे है, तो कह रहा अरे वो तो गर्ल है उसके लिए गर्ल्स डे होगा ना कि वुमेन्स डे, है ना एंजल? तो चलिए गाइस हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए,
और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी जो नए देख रहे हैं वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर कर दें, भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। एंजल से बाय। हाँ मम्मा, एंजल एंजल एंजल।